या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। AIMIMच्या इम्रान हवालदार यांच्यावर गुन्हा दाखल। दिनांक 22 जुलै 2023 रोजी अकिल शकील सय्यद वय 32 धंदा रिक्षा चालक घर नंबर 74/3 ब विभाग विडी घरकोल कुंभारी तालुका दक्षिण सोलापूर जिल्हा सोलापूर यांनी वळसंग पोलीस ठाण्यात याची फिर्याद दाखल केली होती की मी नमूद ठिकाणी कुटुंबासह राहण्यास असून मी रिक्षा चालवून कुटुंबाची उपजीविका करतो। माझे अरिफा हिच्यासोबत लग्न झाले होते। विवाहानंतर आम्ही दोघे विडी घरकुल येथे एकत्र राहण्यास होतो। तर इम्रान अब्दुल रहमान अधोनी उर्फ हवालदार वय 46 राहणार बुधवार बाजार इरकारे मस्जिद जवळ सोलापूर हा माझा चुलत मेहुणा असून तो अधून मधून आमच्या घरी येत जात होता। त्यामुळे दिनांक 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11:03 सुमारास इम्रान अब्दुल रहमान अधोनी उर्फ हवालदार हा आमच्या घरासमोर आला व मला तुझ्या बहिणीला घर चालविण्यासाठी 500 रुपये का दिले नाही असे म्हणून मला गलिच्छ शिवीगाळ करू लागला। त्यास मी तुम्ही मला शिव्या देऊ नका, मी माझे घर चालवतो असे म्हणून समजावून सांगत असताना इम्रान याने तू क्या घर चलाता बे असे म्हणत शिवी देऊ लागला व लाथा बुक्क्याने मारहाणही करू लागला। त्यावेळी मी त्यास मला मारू नको असे म्हणत असताना इम्रान याने तेथेच खाली पडलेल्या लाकडी दांड्याने माझ्या उजव्या पायावर आणि हातावर मारहाण केली। त्यावेळी मी त्याला तू मुझे क्यों मार रहा है असे म्हणून त्याच्या हातास पकडल्याने इम्रान याने त्याच्या दाताने माझ्या उजव्या खांद्यावर जोरात चवा घेतल्याने मी जोरजोराने आरडाओरडा केल्याने आमच्या घराजवळ राहणारे सुफियान यमनूर व रिजवान अपयानी पळत येऊन सोडवासोडव केल्याने इम्रान याने मला आज तू बच गया, तेरे को जिंदा छोडता नाही अशी धमकी देऊन निघून गेलाय। आता या फिर्यादीच्या आधारावर इम्रान अब्दुल रहमान अधोनी उर्फ हवालदार व 40 राहणार बुधवार बाजार इरकाले मस्जिद जवळ याच्या विरुद्ध IPC 324, 323, 504 आणि 506 अन्वय गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मैं राष्ट्रवादी OBC खजिनदार अकिल सय्यद, मेरा झगड़ा इम्रान अब्दुल रहमान हवालदार MIM कार्यकर्ता इसके साथ हुआ था, तो मेरे भान को तू 500 रुपये कहीं को नहीं देता, खर्चे को बोल को मेरे घर में आको, मेरे साथ मारामारी कराया और मेरे घर में जो लकड़ी पड़ी थी वो लकड़ी उठा को मेरे पैर पर मारा। फिर जब मैं उसके दोनों हाथ पकड़ा तो यहाँ मेरे खांदे को काटा हो ना, तो यहाँ काटने के बाद फिर आजू बाजू के लोग आको हमारे को छुड़ाए। छुड़ाने के बाद फिर एक 10 दिन के बाद फिर अपने भान को ले को जाको, मैं कान काटा ये काटा बोल को मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करा, मैं उसके ऊपर गुनाह दाखिल करा, उसको मालूम पड़ा। तो 10 दिन के बाद 28/2/2023 को लेकर जाको मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करा और मेरा नाम बदनाम करा, मीडिया में मुझे बोला कान काटा बोल को मेरी इज्जत काटा। तो आज मैं पुलिस प्रशासन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, SP मैडम का और जो हमारे वरसंग पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है साहब उनका, जो उन्होंने मेरी जो दिल की बात सुनी और मुझे इंसाफ दिलाया। आज इम्रान अब्दुल ये झगड़ा मेरे घर वाले के मेरे थोड़ी बहस हुई थी, बहस तो पैसे के बारे में बहस हुई थी, तो उसके अम्मी के पास थी, तो फिर मेरे पास आको मेरे भान को पैसे कहीं को नहीं देता, तो 500 रुपए हाँ तुझे 500 रुपए देने नहीं आता क्या, दरोज के करके मेरे साथ गाली गलौज करा, फिर मैं मत गाली गलौज करके तो मारामारी चालू करा मेरे साथ, फिर आजू बाजू वाले आगो छोड़ा छुड़ा को फिर मेरे ऊपर दूसरा वो फ्रॉड केस करा। केस करने के बाद आज तो हमारे कुछ शास्त्री नगर के दोस्त MIM के कार्यकर्ता और मेरे कांग्रेस के दोस्त जो भी अहबाब है मेरे, तो वो जाकर उसको समझा रहे, वो फैमिली मैटर है तू छोड़ दे, तो उसके अंदर 20 मिनट इन्वॉल्व पड़ो उनको, वो मेरे घर वाली के चाचा का बेटा है, आज 3 महीने हुआ उन उसको लेकर जाकर उसके खुद के घर में रखेला है, क्या खिचड़ी पका रहा ये भी मालूम नहीं। लेकिन आज मेरी पुलिस प्रशासन जो गुजारिश है कि मेरे ऊपर मुझे इंसाफ मिलन दे और इम्रान अब्दुल रहमान हवालदार के ऊपर सख्त से सख्त गुनाह दाखिल दे और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने दे, बस मेरी इतनी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर।